मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने धरहरा प्रखंड के ओड़ा बगीचा पंचायत का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को लगाया फटकार। दरअसल अपने नियमित भ्रमण के क्रम में डीएम नवीन कुमार ने आज धरहरा प्रखंड के ओड़ा बगीचा पंचायत में सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने घर घर जाकर आवास, नल जल, पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। डीएम को स्थलीय जांच के क्रम में व्यापक अनियमितता मिली। इस पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दोषी के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बताते चले कि सबसे पहले उन्होंने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान बच्चे के साफ सफाई, पाठ पठन सहित अन्य जानकारियों से अवगत हुए। वहीं बच्चे की कम उपस्थिति एवं टीएचआर वितरण में अनियमितता पाई जाने पर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 96 की सेविका शोभा कुमारी पर राशि रिकवरी के साथ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 99 सेविका विभा कुमारी पर बच्ची की सही देखभाल नहीं करने को लेकर 10 दिन का वेतन कटौती का निर्देश दिया। वहीं डीएम के पंचायत भ्रमण के दौरान दर्जनों ग्रामीणों ने पीएचडी द्वारा निर्मित नल जल में गड़बड़ी की शिकायत की। इस पर डीएम ने पीएचडी विभाग के जेई को कड़ी फटकार लगाई और जल्द से जल्द सही करने का निर्देश दिया। इसका इसका क्या नाम है इसका नाम क्या है इसका बोलो बेटा बच्चे लोग आपको सबका नाम याद है बताइए उसका नाम बताइए कौन है सुधांशु कौन है सुधांशु सुधांशु कौन है सुधांशु कौन है जोर जोर से बोलो उसके बाद सिखाते हैं मतलब अभी जो है ना वो काम आपने नहीं किया है जाके आप इंस्पेक्शन करेंगी ठीक है जो जो कलर कलर लगे क्या नाम है बच्ची का सुहान कब तुम बताइए सामने है इधर आओ सामने आओ बताओ कब यही सब से यही सबसे बात हुआ था सर पहले भी करीब 10 दिन पहले बताया था सर कौन है यही तो नाम नहीं जानते कौन लगा उसको।